अगर मैं आपको बताऊं ये चश्मा सिर्फ चश्मा नहीं एक कैमरा है तो आप यकीन करोगे? एक मिनट, तो आपको दिख रहा होगा मेरा कैमरा आपके सामने है और इसी चश्मे से रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने सोचा तो था कि जिंदगी में कभी चश्मे के ऊपर कैमरा आएगा, लेकिन इतने स्टाइलिश चश्मे पे कभी नहीं सोचा था। इसका स्टाइल भी अच्छा है और इस पर कैमरा भी है। ये तो हो गया कैमरा का बात। अगर मैं आपको बताऊं ये चश्मा सिर्फ कैमरा और चश्मा नहीं, गाने सुनने के लिए भी काम आता है। सुनोगे क्या? तो बेसिकली ये जो चश्मा है जो मैंने पहन रखा है ये सिर्फ कैमरा ही नहीं गाने सुनने के लिए भी काम आता है, लेकिन इसका ज्यादा काम फोन में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिखाता हूँ आपको। दादा क्या बताऊँ, तंग था रिंग डू था रिंग डू रहता, दूर जाऊंगा फिर भी मेरा आवाज आता रहेगा तुझे, आते रहेगा भाई। मैं बाहर जा रहा हूँ फिर भी आवाज आते रहेगा तुझे। खुद है इसे खोद ना, गोई था एडिशन गोई था, नॉक सीधा नॉट सीधा नॉट सीधा। मैं अपना फोन घर में रखा, पीस 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 साइन दिखा, अगर तुझे सुनाई दे रहा है तो मैं घर के बाहर हूँ, फोन वहाँ रखा है मैंने। कितना कूल है ये चश्मा। अब करते हैं इस चश्मे की अनबॉक्सिंग। तो डब्बों को यूँ खोलने की एक्टिंग करते हुए आपके सामने दिखाता हूँ मैं रेबन का ये छोटा सा स्लिप जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एक छोटा सा स्ट्रेस बस्टर जो अब हमारा स्ट्रेस बस नहीं कर सकता क्योंकि जिंदगी में स्ट्रेस कतई ज्यादा बढ़ गई है। बाद आता है ये रेबन का अलग सा डब्बा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखते हैं कुछ सुन के भी पता कर लेता हूँ मैं, बहुत बेकार है। और उसके बाद चश्मे में जाते हैं तो इसको खोल के देखते हैं, अच्छी पैकेजिंग है, थोड़ी प्रीमियम पैकेजिंग है, रेबन लिखा है इस पर। ये देखो आप, ये वहाँ दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, आए मिक्सी दे दो, मिक्सी दे शे नहीं है यार दाई, मिक्सी दे शे पर रहा अनि मिक्सी दे की पर गे कैमरा गे हां तो हां दी आई आई गे वीडियो जावर दाई आई अजीत दा यार वीडियो जावर सा मगे हां बो जियाला पण मिक्सी गोम छम मेन दा जबुरे दा लो आयंगे। तो जो मेरे भाई लोग जिनको स्नैप ऐप बनाना है गाड़ी चलाते समय तो इस चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हो अपना बढ़िया स्नैप बन रहा है, आप डाल सकते हो, आप अपना हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, बस चश्मे से ऑन करो, यहाँ से ऑन करो बस, फिर चलते रहो। तो अगर आप खाना बना रहे हो तब इस्तेमाल कर सकते हो। परफेक्ट यस सर। अभी चश्मे के साथ रिकॉर्ड और गाना सुन सकते हैं जब आप जॉग करते हो। व्हाट अ बैड वेदर टू गो फॉर अ जॉग, ओह माय गुडनेस, बारिश पड़ गया भाई। अभी घर आया, पूरा भीग गया मैं, वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा भीग गया, बीमार हो जाऊंगा कल मैं, बहुत ठंड भी साथ में। तो अभी तक मैंने ये बताया कि इस चश्मे से आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कि इस चश्मे से कैसे करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस चश्मे से आप कैसे वीडियोस ले सकते हो और गाना सुन सकते हो और अपने फोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस चश्मे के साथ एक रेबन का केस आता है जो केस कम चार्जर ज्यादा है, और उस चार्जर को हम टाइप सी केबल के साथ चार्ज करते हैं। केस से यू बाहर निकालने के बाद चश्मे के लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा बटन होगा जो रेड लाइट में इंडिकेट किया होगा, आपको उसको ग्रीन लाइट में चेंज करना है ऐसे, और उसके बाद आपका चश्मा ऑन ऑन होते ही आपके साइड में एक बत्ती जलेगा छोटा सा, उसके बाद चश्मा पहन लीजिएगा। जब वो राइट हैंड साइड वाला लाइट ग्रीन हो जाएगा तो आपको चश्मे के साइड से स्पीकर से बैटरी का इन्फॉर्मेशन आएगा। तो उसके बाद आप सीधा जाओगे प्ले स्टोर में या iOS ऐप में, एक व्यू करके ऐप है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको चश्मे के साथ कनेक्ट करके वाया ब्लूटूथ आपका चश्मा आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो चश्मा कनेक्ट होने के बाद चश्मे के राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा बटन है, उसको आप दबा दीजिए, वो बटन दबने के बाद आपका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करना है वहीं उसको एक बार टैप कीजिए, वो बंद हो जाएगा। अगर आपको फोटो खींचना है तो उसी सेम बटन को 2 सेकंड दबा के रखेगा, उसको छोड़ दीजिएगा, फिर वो फोटो खींचेगा। वो सब तो बात ठीक है भाई, लेकिन इस चश्मे से लिया गया फोटो और वीडियो कहाँ आएगा? सिंपल, आपने जो फोन में अपना व्यू ऐप डाउनलोड किया है उसी के अंदर आएगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, उसमें दबा देना, आपने जो फोटोज जो वीडियोस खींचे हैं, चश्मे में कोई इंटरनल स्टोरेज है ना कोई मेमोरी कार्ड है, बस चश्मे के अंदर जो फोटो है वीडियो है वो आपके ऐप में डिस्प्ले हो जाएगा आपके फोन के साथ कनेक्ट होकर।
और गाना कैसे सुनोगे आप? गाना सुनना भी बहुत आसान है, जैसे आप ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ के साथ, वैसे ही चश्मा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप बस कुछ नहीं करिएगा, बस म्यूजिक को यू ऑन करके दबा दीजिएगा, फिर सुनेगा म्यूजिक। और इसका सबसे कूल फीचर ये है कि अगर आपको वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस स्लाइड करना है नीचे, वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, स्लाइड करना है ऊपर, वॉल्यूम अप हो जाएगा। और आपको कॉल उठाना है तो डबल टैप कर दीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें आप लोग परेशान हो रहे हो क्या यार? चलो तो मैंने तो बता दिया आपको इस चश्मे को कैसे इस्तेमाल करना है और आप लोग भी सीख गए होंगे। अब मेरा क्या काम भाई, चलता हूँ भाई। एक मिनट, सबसे मेन चीज तो बताना भूल गया यार, और वो सबसे मेन चीज है, क्या आपको ये चश्मा लेना चाहिए? अगर मैं इस चश्मे को एज अ सनग्लासेस लेता, ये चश्मा बहुत स्टाइलिश है और काफी अच्छा धूप भी झेल लेता है, तो इस चश्मे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एज अ चश्मा ये बहुत बढ़िया है, लेकिन एज अ कैमरा मैं इस चश्मे को कभी नहीं लूंगा, क्योंकि इस चश्मे से जो वीडियो क्वालिटी देता है ना वो 4:5 है, और 4:5 हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, फेसबुक में पोस्ट करते हैं, तो मी बीइंग अ फिल्म मेकर इस चश्मे वाले कैमरे को कभी भी एज अ कैमरा इस्तेमाल नहीं करूंगा। और दूसरी बात, ये कैमरा जो वीडियो क्वालिटी सर्व करता है ना वो इतना भी खास नहीं है कि मैं इसको YouTube वीडियो में डालू और या कई म्यूजिक वीडियो में इस्तेमाल करो, क्योंकि इसका क्वालिटी इतना सही नहीं है। एज अ नॉर्मल यूज करने के लिए सही है अगर आपको छोटा मोटा क्लिप बनाना है, लेकिन इसका क्वालिटी कुछ खास नहीं है। तो तीसरी चीज ये है कि जब भी मैं इस चश्मे से रिकॉर्ड करो तो यहाँ से इसके कैमरे के साइड से एक फ्लैश लाइट जलता है, बाकी एज ए चश्मा बहुत सही है। अब बात करते हैं इसके ऑडियो के बारे में। अगर इसके ऑडियो को ब्लूटूथ हेडसेट या एयरपॉड्स किसी से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली वही हेडफोन ही जीतेगा, क्योंकि वो हेडफोन गाना सुनने के लिए बना है, लेकिन एज अ कैमरा, एज अ चश्मा और एज अ हेडसेट ये कॉम्बो के साथ आया है तो काफी कुछ बुरा परफॉर्म तो नहीं करता, लेकिन इसका आवाज बाहर ज्यादा फैलता है हेडफोन के मुकाबले, तो ये नॉइज कैंसिलेशन जैसे काम नहीं करता और क्वालिटी भी, गाने का क्वालिटी भी ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन इसका ऑडियो कॉल बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया मैं कितना दूर जा रहा हूँ, फिर भी मेरे दोस्त को बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, और इसका स्पीकर भी काफी अच्छा काम कर रहा है, उसको मेरा आवाज बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है अच्छे क्वालिटी में। तो एज अ गाना सुनने के लिए ये इतना भी खास नहीं, लेकिन कॉल में बात करने के लिए या वीडियो चैटिंग के लिए उसके लिए बहुत सही है। तो अब आते हैं ओवरऑल इस चश्मे के ऊपर। ये चश्मा आपको रेबन के स्टोर में ऑलमोस्ट $300 में मिल जाएगा। ऐसा चश्मा ये बुरा नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज्यादा महंगा महंगा चश्मा देखा होगा, $300 से ज्यादा ऐसे स्टाइल में या ऐसे कुछ दूसरे स्टाइल में। लेकिन आप इसको एज अ चश्मा लेना चाहते हो तो सेम 150 या 200 में इसका सेम स्टाइल में आपको चश्मा आ जाएगा, अगर आपको ये स्टाइल पसंद है तो, सिर्फ चश्मा लेना है तो। लेकिन इसको आप एज अ हेडसेट या एज अ कैमरा ले रहे हो तो इसको बिल्कुल मत लेना, क्योंकि $300 में आपको GoPro 8 आ जाएगा या छोटे मोटे कैनन के कैमरा आ जाएंगे, जो इनसे काफी 2-3 गुना ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको वीडियो के लिए देगा। तो एज अ कैमरा इसको कभी मत लेना। और कंपेयरिंग टू एयरबड्स और हेडसेट, एयरपॉड्स आपको मिल जाएगा 160 200 में, एयरपॉड्स आपको मिल जाएगा, तो ये 300 का है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बाय इट एज अ एयरपॉड्स और अ हेडसेट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पैसा है, आपके खर्चे हैं, देख लेना भाई। पीस। क्या लगा है या ये रेबन ना फोन ना होगा इसको भी चाहिए मतलब। How you doing? Nothing special, भाई साहब ये कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई? अच्छा